नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं रानी सिंह इस इवनिंग बुलेटिन में, और मेरे साथ खबरों पर चर्चा करने के लिए सूरज ठाकुर हैं। दिन भर में आज राज्य में कई बड़ी खबरें हुई हैं, हम उस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले तो मोराबादी वाली जो घटना है वो काफ़ी बड़ी घटना थी, उसके बाद वहाँ पर जो भी अपडेट्स आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आज झारखंड में नए प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे आए, उस बीच कार्यक्रम किया गया, उसमें क्या क्या अपडेट्स हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद राज्य में स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है, इस पर बातें होंगी। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि मगही, भोजपुरी, इन तमाम भाषाओं को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है धनबाद बोकारो में, इस पर भी सूरज प्रकाश डालेंगे। और अंत में चारा घोटाला मामला। सबसे पहले तो सूरज, मोराबादी में आप सबको पता होगा कि गुरुवार को किस तरह की घटनाएं हुई, गोलीबारी की घटना हुई जिसमें एक व्यक्ति जो था मारा गया, दो लोग घायल हैं। उसके बाद यह फैसला आया, कल मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें फैसला लिया गया कि जो मोराबादी की दुकानें हैं वो हटाई जाएंगी। अब पूरे मोराबादी की घटना को जिक्र करते हुए एक बार प्रकाश डालें थोड़ा। देखिए, मोराबादी की जो घटना थी 27 जनवरी को, वहाँ पर गैंगवॉर होती है, लवकुश शर्मा और कालू लामा गिरोह के बीच कालू लामा मारा जाता है। इसके बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री, राज्य के DGP, शहर के SSP, मुख्य सचिव और अपने प्रधान सचिव के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, और बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश देते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जितनी जल्दी संभव हो अपराधियों की गिरफ्तारी हो, और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारी जो हैं वो संवेदनशीलता बरतें। अब संवेदनशीलता क्या बरती गई है, इसको इस तरह से समझिए कि कल बैठक करीब दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुई। शाम को 6 बजे प्रशासन की तरफ से ये आदेश जारी किया जाता है मोराबादी के तमाम दुकानदारों को, ठेले खोमचे वालों को, कि वो 24 घंटे के अंदर अपनी दुकानें जो हैं वो बंद करें, खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा। और ये दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई हैं। आदेश ये भी है कि या तो दुकानदार अपनी दुकानें खुद से वहां हटा लें या प्रशासन कार्रवाई करेगा। हम लोग जो आज कवरेज के लिए गए थे, रिपोर्टिंग के लिए गए थे, तो हमने वहां पर जो है JCB और ट्रैक्टर खड़े दिखे, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दुकानदारों जो दुकानें हैं उन्हें उनकी सहायता से हटाया जा सकता है। अब न केवल दुकानों पर कार्रवाई की बात हो रही है बल्कि मकानों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। मोराबादी के जनजातीय शोध संस्थान से लेकर जो मान्या पैलेस है मोराबादी में, वहाँ तक की जमीन की मापी की गई है, मकानों की मापी की गई है, और ये कहना है प्रशासन का कि वो जो मकान है वो अवैध तरीके से बने हैं, सरकारी ज़मीन का अतिक्रमण बन के, तो हो सकता है कि उन मकानों को भी हटाया जाए। ये आदेश जो है जारी किया गया है अपर समाहर्ता की तरफ से, और जो अंचलाधिकारी हैं, सदर अंचलाधिकारी और बाड़गई अंचलाधिकारी जो हैं, वो दोनों आज वहाँ पर पहुँचे थे टीम के साथ, और ज़मीन की मापी की गई। तो ना केवल दुकानों पर गाज गिरेगी बल्कि मकानों पर भी गाज गिराने की तैयारी की जा रही है। हमने व्यक्तिगत रूप से दुकानदारों से भी बातचीत की, कहा जा रहा है कि करीब 300 से ज़्यादा वहाँ पर दुकानें हैं, और 4,500 लोग जो हैं उनकी आजीविका सीधे तौर पर उन दुकानों से जुड़ी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान वैसे ही आर्थिक स्थिति जो अच्छी नहीं है, दुकानें ठीक से चली नहीं हैं, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से जब ये कार्रवाई होती है, एक झटके में दुकान बंद कर दिया जाता है और अनिश्चित काल के लिए, तो संदेह है। इसके अलावा मैं एक बात और जो रख दूं यहाँ पर कि जो दुकानदार हैं जिनकी दुकानें बंद की गई हैं, वो लोग मेयर आशा लकड़ा से मिले। आशा लकड़ा ने उनको ये आश्वासन दिया है कि वो मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करेंगी और उनसे आग्रह करेंगी कि अगर कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगर उनको हटाया जाना जरूरी ही है, तो पहले सरकार उनके लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था, मतलब वैकल्पिक जगह की व्यवस्था करे जहां वो दुकानें लगा सकें। उन्होंने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि सरकार कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में फेल रही, और अब जो है उसकी उस चीज को छुपाने की आड़ में दुकानदारों पर बेवजह की कार्रवाई की जा रही है। दुकानदार जो है लगातार इस मामले को लेकर आक्रोशित है। जी, आज जब आप एक रिपोर्ट भी करने गए थे, वीडियो रिपोर्ट, दुकानदारों से काफी बातचीत हुई, आपने क्या कहा उन लोगों ने?
दुकानदारों का ये कहना था कि शाम को जैसे कि नॉर्मल हम दुकानें चला रहे थे, एक डर एक दहशत तो है ही, क्योंकि मोरहाबादी का जिस इलाके में वो गोलीबारी हुई वो VVIP इलाका है। घटना स्थल से महज 10 कदम की दूरी पर राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का आवास है, वहाँ से महज 100-150 मीटर दूर SSP का आवास है, वहाँ से महज 150 मीटर मोरहाबादी TOP है जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद वहाँ पर इतनी बड़ी घटना होती है, गोलीबारी होती है, तो दुकानदार जो हैं वो वैसे ही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे, दहशत में थे। तो दुकानदारों का ये कहना था रानी कि हम लोगों की ये उम्मीद थी कि सरकार हमारी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहेगी, हमें ये भरोसा दिलाया जाएगा कि नहीं हम सुरक्षित हैं, पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी, हम इसकी उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कार्रवाई उल्टा हम पे हो रही है। एक जो बात वहाँ पर कई दुकानदारों ने कहा कि उनसे ये कहा पुलिस प्रशासन के लोगों ने कि आप दुकानों में जो हैं वो नशीले पदार्थ बेचते हैं, तो उन्हें कहा कि अगर आपको इतनी जानकारी है कि वहाँ नशीले पदार्थ बेचे जाते हैं तो आप उनको अरेस्ट कीजिए, इसमें 300 दुकानों को बंद करने का कोई तुक नहीं बनता। और बात केवल दुकानों को बंद करने की नहीं है, रांची का मोरहाबादी इलाका ऐसा है जहां पर लोग जो हैं, रांची के लोग सुकून ढूंढने भी जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन पार्क है, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा आपको मोरहाबादी में दिखेंगे, तो लोग शाम को ऑफिस खत्म करने के बाद या लोग अपने परिवारों के साथ वहां पर रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की घटना होती है। और अब वहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई है कि वहाँ पर 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते। तो अब कई लोगों का ये भी आरोप है कि क्योंकि अभी जो पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का लगातार आंदोलन चल रहा है, JPSC अभ्यर्थी लगातार परीक्षा को निरस्त करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, भोजपुरी और मगही को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सारे जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमतौर पर बापू वाटिका के सामने बैठते हैं और वहीं उसी को केंद्र बनाते हैं। तो कई लोगों का ये भी आरोप है कि सरकार जो है वो उस गोलीबारी की आड़ में प्रदर्शनों को कुचल देना चाहती है, क्योंकि अभी राजनीतिक अस्थिरता भी एक तरह से आप देखें कि कई तरह से बदलाव हो रहे हैं, तो उसका भी आड़ लिया जा रहा है। तो दुकानदारों का ये कहना था कि सरकार को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए, क्योंकि मैंने कई दुकानदारों से बात की, कोई 20 साल से 25 साल से वहाँ दुकानें लगा रहे हैं वो लोग, और उनको एक झटके में इस तरह की कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे, ये बहुत सोचने और संकट वाली बात है। जी, तो जब सूरज आज सुबह वीडियो रिपोर्ट करने गए थे उस वक्त दुकानदारों की का ये आरोप था कि पुलिस प्रशासन को अब हमारे लिए सजग होना चाहिए था इस घटना के बाद, तो उल्टा जो है अब हमारे ऊपर ही कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो दुकानें हैं जिससे हमारा घर चलता है, जिस पर लगभग 4,000 लोग परिवार जो है डिपेंड करते हैं, उसे बंद किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके आरोप है। अब बात करते हैं राजनीति से, यानी कि कांग्रेस के झारखंड कांग्रेस के प्रभारी जो है नए, यानी अविनाश पांडे आज रांची आए, काफ़ी भव्य स्वागत हुआ उनका, आज कुछ कार्यक्रम भी गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में आयोजित किए गए थे, कैसा रहा कार्यक्रम सूरज, और किन लोगों की मौजूदगी रही, क्या बातें कहीं अविनाश पांडे? देखिए, जैसे कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम था कि आज जो हैं वो झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचेंगे, तो वो सुबह 11:30-12 बजे के आसपास जो हैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनका स्वागत करने के लिए झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राजेश ठाकुर वो मौजूद थे, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की वहाँ पर मौजूद थे, और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे। और जिस तरह से झारखंड की जो परंपरागत शैली है, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके बाद वो गेस्ट हाउस पहुँचे, गेस्ट हाउस के बाद वो गीतांजलि बैंक्वेट हॉल पहुँचे, जहाँ एक कार्यक्रम किया गया। जैसा कि पूर्व निर्धारित था, जो कांग्रेस के 18 विधायक हैं झारखंड में, वो सब आज राजधानी पहुंचे थे प्रभारी से मुलाकात करने के लिए। कार्यक्रम रखा गया कि जो बात सामने आ रही थी पिछले कई दिनों से या कई महीनों से कि विधायक जो हैं नाराज हैं, कुछ लोग संगठन से नाराज हैं और कुछ लोग सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं। आप जानते हैं कि जो महिला विधायक हैं उन्होंने ये जो है दिल्ली भी कई लोग गई थी और मांग की थी कि अधिकारी जो हैं वो उनकी सुनते नहीं हैं और सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती। तो विधायकों ने अपने अपने तरीके से कुछ क्षेत्र की समस्याओं को लेके, कुछ संगठन की समस्याओं को लेके, कुछ सरकार में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर उन्होंने अपनी अपनी शिकायतें सुनाई, और जो अविनाश पांडे हैं प्रभारी, उन्होंने सबकी शिकायतें सुनी और
संबोधित भी किया। उन्होंने ये कहा कि मैं जो है सबको साथ लेकर चलने आया हूँ, जो भी मतभेद हैं, जो भी नाराजगी है वो मिल बैठकर सुलझाएंगे। मैं अभी यहाँ पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बातचीत कर रहा हूँ, इसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर भी अलग अलग लोगों से मुलाकात करूँगा, बड़े नेताओं से मुलाकात करूँगा। इसके अलावा जो सत्ताधारी पार्टी है, जो हमारी सहयोगी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनके भी नेताओं से, मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने अभी तक जिस तरह से काम किया है वो संतोषजनक कहा जाएगा, अच्छा काम हो रहा है, और जो खामियाँ कमियाँ हैं उसे भी पूरा कर लिया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। इसके अलावा आप जान रहे हैं कि जब कार्यक्रम स्थल जो है वहाँ पर संसदीय कार्य मंत्री और जो वरिष्ठ नेता हैं आलमगीर आलम कांग्रेस के, वो मौजूद थे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो सरकार में मंत्री हैं वो लोग भी मौजूद थे। जो एक बड़ी बात निकल कर सामने आई कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों का जो आंदोलन लगातार चल रहा है, वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी जो हैं वो पहुँचे कार्यक्रम स्थल पर, उन्होंने अविनाश पांडे के सामने जो है प्रदर्शन करने का प्रयास किया और नारेबाजी वगैरह की। हालांकि उनको पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। तो आप जानते हैं कि पहले यहाँ पर आरपीएन सिंह जो हैं वो कांग्रेस के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने पहले तो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, और हो सकता है कि पडरौना सीट से चुनाव लड़ें। कांग्रेस में उनके इस्तीफे को लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया थी, जहां राजेश ठाकुर जैसे लोग जो हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो थोड़े से संतुलित थे और उन्होंने ये कहा कि उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, गलत डिसीजन है। वहीं कई विधायक जैसे इरफान अंसारी हैं, अंबा प्रसाद हैं, दीपिका पांडे सिंह हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की थी कि वो पार्टी को, सरकार को यहाँ तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। फुरकान अंसारी ने उन्हें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बता दिया। तो दो जो मिली जुली प्रतिक्रिया है, और आप अभी भी समझिए कि एक धड़ा जो है कांग्रेस का अभी भी, वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को भी नहीं चाहता, उसके भी खिलाफ है, वो सुखबुगाहट दिखी है। आपने एक साक्षात्कार भी देखा होगा उनके कुछ नेताओं का, हम यहाँ नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप उसको समझिए कि वो जो दो फाड़ कांग्रेस है अभी भी आरपीएन सिंह के जाने के बाद, उस चीज को साथ लाना, उन दोनों धड़ों को एक साथ लेकर आना, सामंजस्य बिठाना और सही तरीके से चलाना, क्योंकि कांग्रेस में सामंजस्य इसीलिए भी जरूरी है, ना केवल झारखंड में संगठन के लिहाज से, बल्कि चूँकि सरकार के गठबंधन में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ वो शामिल है, तो उस लिहाज से भी दोनों का साथ रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि वो धड़ा जो है आपसी जो खींचतान है वो ना हो। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक उद्देश्य जो कहा जा रहा था आरपीएन सिंह जाने के बाद, कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार गिराने की साजिशें कर सकती हैं या इसकी कोशिशें होंगी, तो उसको बल मिलता है जब अंदरूनी कलह होती है। तो अविनाश पांडे पर एक ये भी दबाव होगा, तो उन्होंने इसका संकेत भी दिया कि मैं जो है सबको साथ लेकर चलूंगा और मेरे लिए सभी लोग प्यारे हैं। जी, तो आज मीडिया से बात करते हुए भी अविनाश पांडे ने कहा कि मेरे लिए संगठन जो है वो सर्वोपरि है, मैं संगठित होकर ही काम करूंगा, जो कहीं थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उसे भी दूर करने की कोशिश करूंगा, आपस में जो कुछ मतभेद चल रहे हैं उसे भी दूर करूंगा और पार्टी को साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। खैर, उन्होंने झारखंड सरकार, मौजूदा सरकार की तारीफ भी की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, कि उनके राज्य में अच्छा काम हो रहा है। अब बात करते हैं सूरज स्कूलों की, क्योंकि आप सबको मालूम होगा कि कोरोना की तीसरी लहर की जो दस्तक हुई थी, उसके बाद से झारखंड के तमाम शिक्षण संस्थान जो है बंद कर दिए गए और लगभग सब कुछ बंद ही कर दिया गया। सबसे ज़्यादा पढ़ाई ही प्रभावित हुई इस कोरोना काल में। अब राज्य सरकार ने फिर एक बार फैसला लेने का सोचा है, यानी कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ मीटिंग हुई और ये बातें कही जा रही है कि अब फरवरी के पहले सप्ताह में स्कूल खोला जाएगा। मतलब क्या लगता है, स्कूल खुल रहा है, कोई विरोध कर रहा है या फिर समर्थन में है लोग? देखिए, शिक्षा मंत्री जो हैं पिछले कई दिनों से लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार जल्दी राज्य में स्कूलों कॉलेजों को खोलने का फैसला करेगी, क्योंकि पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। लगातार जो एक धड़ा है अभिभावकों का, वो मांग कर रहा था कि स्कूल खोले जाएं। इसके अलावा जो निजी विद्यालय हैं विशेष तौर पर, उन लोगों की भी ये मांग थी कि स्कूल खोले जाएं।
जो सिविल सोसाइटी है, जो बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों का भी ये मानना है कि स्कूल कॉलेजों को अब खोल देना चाहिए क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। सरकार तो ये कहती है कि हम ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है इस बारे में एक रिपोर्ट हमने हाल ही में की थी कि यहाँ पर करीब 37 लाख बच्चे जो हैं स्कूलों में नामांकित हैं। और जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात हुई थी विषयवार बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो केवल 7 लाख ग्रुप ही बन पाए थे। तो आप समझिए कि 30 लाख बच्चों का फोन ही नहीं है, फोन इसका मतलब जी। इसका मतलब इसके अलावा जो एक झारखंड में रिपोर्ट है कि जो ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल हैं और वहाँ जो बच्चे नामांकित हैं उनमें से 95% के पास ऑनलाइन पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए दुमका से एक तस्वीर आपने आती दिखी थी कि दीवारों पर ब्लैक बोर्ड बनाकर और लाउड स्पीकर के सहारे पढ़ाया जा रहा था। तो आज जो है शिक्षा मंत्री ने अपने आवास पर शिक्षा सचिव राजेश कुमार के साथ जो है एक मीटिंग की और इसमें मंत्रणा हुई कि स्कूल खोले जाने चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो स्कूलों को खोलने के लिए एक निर्धारित गाइडलाइन होगी कि किस आधार पर खोला जाएगा, क्या ऑड इवन फार्मूले पर खोला जाएगा कि ऑड रोल नंबर वाले एक दिन आए और इवन रोल नंबर वाले एक दिन आए, या फिर ये होगा कि 50% क्षमता के साथ खोला जाए, शिक्षक कितने आएंगे। इसके अलावा जो हमने जब से पहली लॉकडाउन के बाद ही जब स्कूल खोला तो एक लिखित सहमति ली जा रही है। महाराष्ट्र में हाल ही में शिक्षण संस्थान खुले हैं तो वहाँ पर वर्षा गायकवाड़ जो हैं वहाँ की स्कूली शिक्षा मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि जिन बच्चों के अभिभावकों ने लिखित सहमति दी है उन्हीं को केवल स्कूल आने दिया जाएगा। तो झारखंड में फरवरी में शुरुआत में एक दो सप्ताह में इस बात का फैसला किया जा सकता है। हालांकि जो अभिभावक संघ है वो अभी भी स्कूलों को खोलने को लेकर सशंकित है, आशंकित है कि खोला जाना चाहिए या नहीं, और वो लोग मांग कर रहे हैं कि थोड़ा ठहर जाना चाहिए, मामले कम होना देना चाहिए क्योंकि अभी भी उतार चढ़ाव कोरोना के मामलों में जारी है। ये कभी 3 लाख तक पहुंच जाता है और कभी ये 2.5 लाख तक आता है। और दूसरी बात है कि ज़्यादातर जो मामले हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। हाल ही में जो जीनोम कंसोर्टियम है, एक संस्था है जो जीनोम सीक्वेंसिंग करती है कोरोना वायरस की, उन्होंने ये कहा था कि ओमिक्रॉन का जो है वो महानगरों में खासतौर पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो गया है। और ओमिक्रॉन के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें अधिकांश जो हैं वो पता ही नहीं चलता कि उनमें कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर जब जांच होती है तो पता चल जाता है कि ओमिक्रॉन से प्रभावित हैं। अभी बिहार में कुछ बच्चों की जो है डेथ हुई है और यहाँ पर भी कुछ मामले ऐसे आए हैं जहाँ छोटे बच्चे जो हैं कोरोना से संक्रमित हुए हैं जो पहली और दूसरी लहर में नहीं दिखा गया था। तो अभिभावकों का अपना कंसर्न है। एक और जो जानकारी हम आपको दे दें कि अभी 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया, उन्होंने एक मंत्रणा की थी अधिकारियों के साथ और हो सकता है कि केंद्र सरकार भी है अगले कुछ दिनों में एक SOP जारी कर दे स्कूलों को खोलने को लेकर, क्योंकि जो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर हैं रघुराम राजन, उन्होंने एक चिंता वाला पत्र जो है सरकार को लिखा था और एक बयान भी दिया था कि अगर स्कूलों को जल्दी नहीं खोला गया तो भविष्य में हमारे पास जो है एक बहुत कम समझ वाली पीढ़ी होगी और ये राष्ट्र निर्माण के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा जो अर्थशास्त्री और समाज सेवक हैं ज्यांद्रेज, झारखंड में वो रहकर काम करते हैं, उन्होंने भी ये चिंता जताई थी कि अगर जो बच्चे हैं वो अगर 1.5 साल स्कूल बंद रहता है तो वो 3 साल पीछे चला जाता है, ना केवल बच्चे बल्कि स्टेट भी और शिक्षा व्यवस्था भी। तो उन्होंने भी ये चिंता जताई थी कि जो बच्चे हैं उनमें एक जो बेसिक समझ है वो भी खत्म होने लगी है क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई की उस तरह की सुविधा नहीं है और उसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि स्कूलों में बच्चे जो हैं कंपटीशन में सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और वहाँ पर जो इंटरेक्शन होता है और जो ऑनलाइन इंटरेक्शन होता है दोनों में बहुत फ़र्क है। एक बात जो है, जब सरकार ने हालिया गाइडलाइन जारी की थी कोरोना के कंसर्न को लेकर, तो उसमें जब ये फैसला किया गया था कि बार और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे और स्कूलों को बंद करने को लेकर, हमने एक जो वॉक्स पॉप किया था उसमें भी कई बच्चे जो थे स्कूली, उन्होंने ये कहा कि स्कूल जब खुले होते थे तो हम 80% पढ़ पाते थे पर ऑनलाइन में हम 30% ही पढ़ पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये नुकसान है। तो अभी शिक्षा मंत्री ने ये बैठक की है,
ये भी है कि शिक्षा मंत्री आज ही शायद स्कूलों को खोलने का डेट जो है अनाउंस कर देते, लेकिन अभिभावक संघ जो है उन्होंने कुछ चिंता जताई है। अब उसकी समीक्षा करने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत संभावना है कि फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक जो तारीख है उसका ऐलान कर दिया जाए कि स्कूल कब खुलेंगे और जो संबंधित गाइडलाइन है वो भी जारी कर दी जाएगी। जी, तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और शिक्षा सचिव के बीच में भी आज बैठक हुई, फिर कई प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ भी शिक्षा मंत्री की बैठक हुई। तो इसमें लगभग यही निकल कर आ रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में स्कूलों को खोल दिया जाएगा, आज ही फैसला ले लिया जाता है, लेकिन अब इस निर्णय को जो है आपदा प्रबंधन प्राधिकार की जो बैठक होगी उस पर छोड़ दिया गया है, यानी वहाँ जो निर्णय लिया जाएगा वही अंतिम होगा। लेकिन बहुत संभावना है, जैसा कि सूरज ने बताया, कि फरवरी के पहले सप्ताह में स्कूलें खोली जा सकती है, पहली से लेकर 12वीं तक की जो स्कूल कॉलेज जो भी होंगे वो सारे खुलेंगे। सूरज, एक बहुत बवाल मचा हुआ है मगही भोजपुरी भाषाओं को लेकर धनबाद और बोकारो में, ये पहले एक पर मामला समझाइए क्या है। देखिए, कार्मिक विभाग ने जो है दिसंबर 2021 में जो नियमावली है उसमें एक संशोधन किया था, और चूँकि कई जो इलाके के जनप्रतिनिधि हैं उनकी ये मांग थी कि जो चतुर्थ वर्गीय जो नौकरी हैं जिला स्तरीय जो निकाली जाती हैं उसमें स्थानीय भाषा को लेकर, तो जो स्थानीय भाषा है उसमें मगही भोजपुरी और अंगिका को जोड़ा गया। कई जिलों में जैसे साहेबगंज है, दुमका, जामताड़ा, ऐसे कई जिलों में देवघर गोड्डा में अंगिका जोड़ा गया है, इसके अलावा जो कई जिले हैं वहाँ पर मगही जोड़ी गई है। तो इसमें से जो धनबाद और बोकारो है यहाँ खास तौर पर विरोध हो रहा है मगही और भोजपुरी को जोड़ने के खिलाफ। हमने कई जो अभ्यर्थी हैं वहाँ पर छात्र हैं उनसे बातचीत की कि उनकी शिकायत क्या है। उन्होंने ये कहा कि जो बाकी ज़िले हैं जैसे साहेबगंज में अगर अंगिका जोड़ी गई तो बिहार की सीमा से लगता हुआ है, गोड्डा जो है बिहार की सीमा से लगता हुआ है, जामताड़ा जैसे कई जो ज़िले हैं वहाँ वो जो बंगाल की के आसपास हैं तो वहाँ पर बांग्ला को जोड़ा गया है। तो उनका कहना है कि धनबाद और बोकारो जो है बिहार की सीमा से काफ़ी दूर है, और धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी बोलने या मगही बोलने वाले लोग हैं उनकी संख्या 2% से भी कम है। ऐसे में भोजपुरी और मगही को वहाँ स्थानीय भाषा के रूप में शामिल करना एक तरह से उन पर थोपना है, तो वो लोग लगातार इसको मांग कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो वहाँ चंद्रपुरा पहुँचे थे और वहाँ भी उन्होंने कहा कि मतलब मैं वहाँ पर मौजूद रहूँगा और मैं भी देखूँगा कि कैसे मगही और भोजपुरी को वहाँ पर लागू कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, जब कैबिनेट की बैठक होगी तो मैं सामने ये बात रखूँगा भी कि इसको लागू ना किया जाए। तो छात्रों का ये कहना था कि हमने जनप्रतिनिधियों से बात करके देख ली, सरकार को चिट्ठी लिख ली, अपनी चिंता जो है आयोग को बता चुके हैं, लेकिन किसी तरह की जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने ये फैसला किया है कि रविवार को जो धनबाद से बोकारो तक, वो लोग धनबाद के मोहदा मोड़ से बोकारो के नागन मोड़ तक एक मानव श्रृंखला बनाएंगे। जो बातचीत हुई है उसके आधार पर उनका कहना है कि करीब 35,000 से 40,000 की संख्या में अभ्यर्थी जुटेंगे और एक मानव श्रृंखला 2 जिलों के बीच बनाई जाएगी और वहाँ पर ये मांग रखी जाएगी कि उन पर जबरन जो है ये भाषा ना थोपी जाए और उन भाषाओं को वापस लिया जाए, क्योंकि वहाँ पहले से ही जो है धनबाद और बोकारो में बांग्ला, खोरठा, नागपुरी और कुर्मानी भाषा स्थानीय भाषा के तौर पर दर्ज है। तो वैसे में उनका कहना है कि जब आबादी ही वहाँ नहीं है भोजपुरी और मगही बोलने वाली की, तो ये भाषा हम पर क्यों थोपी जा रही है। अब जान रहे हैं कि भाषा को लेकर कई स्तरों पर, जैसे कि जो स्टेट के लेवल पर जो स्थानीय भाषा है वहाँ पर हिंदी को हटाया गया है, उर्दू वहाँ पर शामिल है, उसको लेकर भी विरोध है कि उर्दू भाषा बोलने वाले कितने लोग हैं, जबकि कई लोग हैं जो हिंदी ही जानते हैं, वो क्षेत्रीय भाषा में खोटा या दूसरी भाषा नहीं तो वो हिंदी को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर भी हिंदी का चयन करते थे, तो हिंदी को हटा दिया गया है, उर्दू शामिल किया, उसको लेकर विरोध है। और अब जो है ये भोजपुरी और मगही को लेकर आंदोलन जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जा रहा है, जिसके बारे में सरकार जो है अब तक क्या संज्ञान ले रही है ये समझ में नहीं आया है, लेकिन एक कल एक बड़ा आंदोलन जो है धनबाद और बोकारो में होने जा रहा है। जी,
तो ये मगही भोजपुरी भाषा को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है उस पर जो भी आपके कंफ्यूजन होंगे या अपडेट्स आपको जो भी चाहिए होगा वो सूरज ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब हम बात करेंगे चारा घोटाला मामले की। इस पर आज फाइनल एक सुनवाई हुई है, क्या फैसला निकल कर आया या क्या बातें हुई, क्या देखिए, ये जो अपडेट्स? मामला है लालू यादव से जुड़ा हुआ है और ये डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का मामला है। और कहा जाता है कि चारा घोटाला मामले में ये सबसे बड़ी निकासी का मामला है। इसमें सीबीआई की विशेष अदालत में जो है वो बहस आज पूरी हो गई और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और 15 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव जो हैं वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं और अभी दिल्ली में रह रहे हैं। तो अगर अभी ये नहीं पता है कि सजा क्या होगी, फैसला क्या होगा, लेकिन जाहिर तौर पर जो है लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानते हैं कि इस मामले में जो डोरंडा कोषागार से जो अवैध निकासी का मामला है, इसमें लालू प्रसाद यादव सहित 110 आरोपी जो हैं जिनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और उनको सजा सुनाया जा सकता है। आज जो इसमें आखिरी आरोपी थे डॉक्टर शैलेश कुमार, उनकी उनके तरफ से जो ये था विशेष अदालत में, उनकी जो याचिका थी या उनका जो मामला था उस पर आज सुनवाई बाकी थी। बाकी लोगों पर जो सुनवाई है वो हो चुकी है, फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा गया है। तो आप जान रहे हैं कि चारा घोटाला मामले में ही दुमका कोषागार से अवैध निकासी का मसला था, तो उस मामले में वो जमानत पर फिलहाल लालू प्रसाद यादव बाहर हैं। लेकिन अगर इस मामले में अगर कोई फैसला आ सकता है तो निश्चित रूप से जो है उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से या वो लालू फैमिली की तरफ से कोई बयान इस पर नहीं आया है। 15 को जब फैसला आएगा तो हम फिर एक बार आपके साथ अपडेट के साथ आएंगे कि फैसला क्या सुनाया है। फिलहाल सुनवाई पूरी हो चुकी है और निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के वो मुश्किलों में घिर सकते हैं। जी, तो ये तमाम जो दिन भर की बड़ी खबरें थी उस पर हमने चर्चा किया। मोराबादी वाली जो घटना है अभी इस वक्त काफ़ी तुल पकड़ा हुआ है उसने, क्योंकि मोराबादी की तमाम दुकानें जो हैं उसको हटाने का आदेश दे दिया गया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, दुकानदारों से कह दिया गया है कि आप खुद ही अपनी दुकान हटा लें, नहीं तो प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। दुकानदार अब जगह जगह पर अपनी गुहार लेकर जा रहे हैं, मेयर के पास गए थे, सीपी सिंह के पास गए थे। तो ये तमाम जानकारियां जो हैं आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हमने आपको दी। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें द फॉलो अप के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।